गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कर लिया कंप्लीट? डाउट है कुछ उसमें? बच्चों डाउट है तो चलो पहले हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। डाउट बताना स्टार्ट करो फिर। ट्वेंटी फाइव का भी देखते हैं एक मिनट का क्या क्या दिया हुआ है। ट्वेंटी फाइव में देखो क्या दिया हुआ है। अ लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रॉड हैज अ वेरी लॉन्ग होल ऑफ रेडियस ए, ड्रिल पैरेलल टू द रॉड एज शोन इन फिगर। इफ द रॉड कैरीज अ करंट आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द होल। अब देखो पहले ही श्रेयस यही बोल रहा है ना, 25 भी बोल रहा है ना, एक्सरसाइज वन की ही डाउट है ना। एक मिनट, ये एक्सरसाइज वन नहीं है क्या? अच्छा, ये एक्सरसाइज वन नहीं था तुम का? हाँ ट्वेंटी फाइव में देखो क्या, अ प्रोटॉन ऑफ मास एम चार्ज क्यू इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा with the direction of magnetic field, direction of B, radius of curvature of the resulting path. तो हमें देखो resulting path का radius of curvature पूछा गया है। तो radius of curvature निकालने का तरीका क्या रहता है कहीं पर भी? देखो यहां पे जो path है, जैसे मान लो इधर को बी है मैग्नेटिक फील्ड और वो वैसे बी वेलोसिटी से चला, ये एंगल थीटा है। तो अब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी कॉस थीटा और ये वी साइन थीटा। तो इसके वजह से ये घूम रहा है,
v साइन थीटा के वैसे ही घूम रहा है ना, तो जब ये घूम रहा है ना तो v क्रॉस b ऐसे अंदर को फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर के साइड में ऐसे घूमना शुरू किया। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे कोई पाथ अगर एकदम सर्कुलर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ मान लो ये आ रहा है, लेकिन अगर वो रेडियस उसको आप ऐसे आगे एक्सटेंड करते जाओगे तो उस पाथ का रेडियस आर नहीं रह जाएगा, उसके कर्व उसका कर्व जो है वो क्या सर्कल है, उसका कर्व जो पाथ है वो अब सर्कुलर नहीं है, हेलिकल है ना, उसका पाथ अब सर्कुलर नहीं है, हेलिकल है, वो घूम रहा है वी साइन थीटा के वैसे, ये बात सही है, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा ना, सर्कुलर जैसे स्प्रिंग है उसको थोड़ा और खींच दो ना, उसमें पिच थोड़ा बड़ा कर दो, तो आपको दिखेगा कि जो रेडियस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और आपको ये पता है कि कोई भी पाथ हो ना, कोई भी पाथ हो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे निकालते हो, उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी देखोगे और एक्सेलरेशन देखोगे, और एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो उस वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। आप क्या करते हो, वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू ए परपेंडिकुलर, तो वी स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर इज आर, ऐसे करते हैं ना। तो आप देखो बच्चों कोई भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी तो इधर को है और बी इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है वेलोसिटी के से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट ना, तो वी क्रॉस बी करोगे, अगर वी क्रॉस बी करोगे तो यहाँ पे फोर्स किधर को आ रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा ना, तो ऑलरेडी वो जो फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर ही होगा ना, फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट आप फोर्स लेकर के पहले फोर्स लिख देते हैं, फोर्स कितना आ जाएगा, टू वी क्रॉस बी, मतलब टू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स आ गया, तो फोर्स अपॉन में मास कर देंगे, तो परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन आ गया है टू वी बी साइन थीटा अपॉन में एम। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी जो भी टोटल वेलोसिटी अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, तो क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन में एम, ये आ जाएगा एम जी अपॉन में क्यू बी साइन थीटा ना, सी ऑप्शन आ जा रहा है। देखो हेलिकल पाथ को आप सर्कुलर मान के रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बता सकते ना, ये ध्यान रखना, हेलिकल पाथ का रेडियस और सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग अलग होता है। तो आप क्या करोगे, आप बेसिक्स पे जाओगे ना, बेसिक आपके क्या बोलता है, कहीं पे भी जो भी वेलोसिटी है वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर वो पहुंचा हुआ है तो टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी है, और आप नेट फोर्स देखो और उसका परपेंडिकुलर, तो यहाँ ऑलरेडी फोर्स परपेंडिकुलर ही लगता है, तो फोर्स अपॉन मास करके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन आ गया, तो ऐसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। समझ आया सभी को बच्चों, नेक्स्ट हो दो। यहां बच्चों देखो दो चीज हो रही है ना, एक तो वो सर्कल में घूम रहा है और दूसरा साथ में आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों का कंबाइंड मोशन का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था, केवल सर्कुलर पाथ का नहीं चाहिए था, जो उसका कंबाइंड मोशन हो रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसके वजह से इफेक्ट आता है ना स्ट्रेट पाथ की वजह से, केवल आपको इसका कुछ भी निकालना रहा है टाइम पीरियड वगैरह तो आप इसको लेकर के कर सकते हो, वो चलता है कि एक पिच कंप्लीट करने का टाइम, लेकिन पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो ये कंबाइन का बताना पड़ता है। नेक्स्ट है 31 में देखो क्या है,
31 में देखो क्या है, टू प्रोटॉन बीम्स आर मूविंग विद इक्वल स्पीड इन सेम डायरेक्शन, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट का ये जो प्रोडक्ट होता है ये 1/c² के बराबर आता है, जहां c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना। अगर आपने वैक्यूम का म्यू लिया, वैक्यूम का एप्साइलन लिया, तो इनका प्रोडक्ट उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मान लो आपने कोई और मीडियम का म्यू लिया, उस मीडियम का एप्साइलन लिया, तो ये बराबर होगा 1/v², जहां v क्या होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड। ये नोट्स में लिख लो, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे यूज आ जाता है तो इसलिए लिख लो। जिस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन लोगे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बाई वी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये लाइट की स्पीड लिखी है ना, ध्यान रखना वी सी ये सब लाइट की स्पीड है। ये जो ये भी लिख रहा हूं ये भी लिख लो अपने नोट्स में ना, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को डिराइव करके हम निकाल लेंगे, बट लिख ही लो। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज, दो मूविंग चार्ज है इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे, तो आपको तरीका क्या होगा, एक चार्ज की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा वो निकाल दो। तो पहले कोई भी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी लिखने का फॉर्मूला क्या है, याद है बच्चों, म्यू नॉट बाई 4π क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, याद है बच्चों, ऐसे हम लोग मैग्नेटिक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे ना। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज के जगह पर बी निकाल रहे हैं ना, तो ये आर जो होगा वो आर वेक्टर ऐसे कुछ जा रहा है ना, ये दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं उस टाइम के लिए हम लोग ये सब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4π Q1 इंटू वी, वी और आर परपेंडिकुलर है ना अभी, तो वी क्रॉस आर अपॉन में आर क्यू, साइन थीटा 1 हो जाएगा ना। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट बाई 4π Q1 वी अपॉन में आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर को होगा ना, जिधर को चार्ज जा रहा है एक तरह से उधर को करंट फ्लो रही, या तो वी क्रॉस आर करके निकाल दो, या जिधर को चार्ज जा रहा है उधर को थंब रखो और फिंगर कर्ल करो ना, इधर करंट एक तरह से फ्लो हो रही है ऐसे फिंगर कर्ल करो, तो इस साइड में आउट ऑफ द प्लेन, इधर को इन टू द प्लेन, तो यहाँ पर इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये बात समझ आ रही है, जिधर चार्ज जा रहा है मतलब उधर करंट जा रही है ना, करंट की वजह से हम बी कैसे निकालते थे, जिधर करंट है उधर थंब रखते थे और फिर फिंगर कर्ल करते थे, तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आएगा और यहाँ पे फिर इन टू द प्लेन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों डायरेक्शन निकालना,
नहीं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो वी क्रॉस आर कर दो, वी इधर को है आर इधर को है ना, वी इधर को है आर नीचे को है, तो आप वी क्रॉस आर करोगे तो थंब अंदर को जाएगा। वी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी। इस फॉर्मूले में रिलेटिव कहां था? ये अब बीच में कौन सा डाउट आ गया? हमने पीछे एक चीज ये पढ़ी थी कि कोई भी अगर चार्ज है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके वजह से कोई आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इसमें वी किसके रिस्पेक्ट में रहता था? ये कब, ये लिखने के टाइम हमने क्या बोला था? कुछ ऐसा बोला था रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ था, कुछ रिलेटिव की बात नहीं बोला था ना, तो बस वही चीज अभी भी कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो ये हमारा देखो बी आ गया ना, अब बी आ गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे बी है इनटू द प्लेन, तो ये चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो अब ये किधर को फोर्स लगेगा? क्यू टू चार्ज पे किधर को फोर्स लगेगा? तो आप क्या करोगे, वी क्रॉस बी करते हैं ना फोर्स निकालने के लिए, वी क्रॉस बी इधर को, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर को फोर्स लगाएगा और एक्शन रिएक्शन ऊपर वाले पे नीचे को लगेगा। दो चार्ज अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर वो लाइक चार्जेज हैं, मैग्नेटिक फोर्स उस टाइम पे अट्रैक्ट करता है। ये बात हम लोग और आज और भी पढ़ने वाले हैं ये डायरेक्शन के बारे में, जब दो इनफाइनाइट वायर पैरेलल रखे होंगे तो कैसे फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, फोर्स कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू, क्यू टू पे फोर्स देख रहे हैं ना वी, ये वी वन था ना, क्यू वी बी, बी कितना है म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वन वी वन बाई आर स्क्वायर, क्यू वी बी साइन थीटा ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी किया है ना, वी और बी में कितना एंगल है, वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो साइन थीटा वन हो जाएगा ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी का क्यू वी बी साइन थीटा आता है ना, साइन थीटा वन हो जाएगा, तो क्यू वी बी, समझ आ पा रहा है बच्चों? तो ये हमारा फाइनल फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो ये उसी टाइप का एक्सप्रेशन आया जैसे अच्छा अच्छा वो V1 बोल रहे थे, अच्छा तो ये हमारा दो चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स निकालने के लिए आप ये लगा सकते हो ना, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तो तुम अपने में बंद कर लो ना भाई, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मिथेन को देख के ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तब आपको इस पे फोर्स निकालना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड कर दो इनको, ना डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है नीचे रखा गया है ना, यहाँ म्यू नॉट बाय फोर पाई आएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा V1 V2, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इसलिए V1 V2 V स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा और इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 बाई C स्क्वायर लिखोगे तो C स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो C स्क्वायर बाई V स्क्वायर आ जा रहा है ना, समझ आ गया बच्चों? ये आप फॉर्मूला याद ही रखो ना, नहीं तो बार बार इतना बी लिखना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा, तो याद भी रख सकते हो।
नेक्स्ट डाउट बताओ। यहां से चलो, नहीं यहां से लिखना है। थर्टी टू में बी क्यों नहीं है, चेक करता हूं। इलेक्ट्रॉन दिया है, ध्यान रखना श्रेयस ने, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पे जिधर फोर्स लगेगा उसका उल्टा निगेटिव पे लगता है। सेवेंटींथ में डायग्राम नहीं समझा। सेवेंटीन देख लो बच्चों, जल्दी लिखो आयुष यार। सेवेंटींथ में ना श्रेयस, हाँ जनरली ऐसे ही करते हैं ना, एक्स वाई एक्सिस आप स्क्रीन के प्लेन में ले लो और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ले लो, तो थोड़ा अपने लिए सोचना आसान रहता है। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो है लूप का ये परपेंडिकुलर है इस वाले पार्ट के ना, मतलब ऐसे कुछ रखा हुआ है, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे है ना। तो अब आपको बोला जा रहा है कि इधर से करंट आ रही है, इधर से I1 करंट आ रही है, I3 करंट आ रही है और एक नीचे से करंट आ रही है I2। और I3 जो है वो यहां से आई और आने के बाद वो नीचे वाले पार्ट से क्रॉस कर गई है, तो हमें इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू बतानी है ना। I1 यहां से सीधे निकल गई है, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू, तो अब देखो आपको क्या करना है, और देखो यहां पे जो लूप लिया गया है, यहाँ पे लूप कुछ ऐसा लिया गया है, लूप भी आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर ऐसा लूप है और इसके प्लेन में ऐसा लूप है, समझो बच्चों। लूप में भी एक पार्ट इस वाले प्लेन पे और एक पार्ट इस वाले प्लेन पे है ना, तो आपको क्या देखना है,
कि लूप के अंदर से करंट कैसे जा रही है। जब आप लूप, ये डीएल का डायरेक्शन दिया है, ये डीएल का डायरेक्शन है, तो जब डीएल के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे, डीएल के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे तो पॉजिटिव करंट का ये डायरेक्शन है ना, तो इस वाले पार्ट से कितनी करंट बाहर निकली, ये आई वन यही से बाहर निकल रही है ना, ये थोड़ा सा करंट सही से बना लो, ये एक मिनट इसको डायग्राम सही कर, तो जब आप डीएल के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर रहे हो तो पॉजिटिव करंट, ये आई वन पॉजिटिव करंट है ना, वो यहां से निकल रही है। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो आई वन को तो प्लस में लिखेंगे, आई थ्री भी देखो यहां से प्लस में निकल रही है, तो जो यहां से आई थ्री भी बाहर निकल रही है ना, तो यहां से बाहर निकली, आपको बस बाहर निकली ये देखना है, बाकी आगे क्या हुआ उससे मतलब नहीं है ना। यहां से करंट ये भी बाहर निकली, तो यहाँ पे भी प्लस आई थ्री कर दोगे, ठीक है। तो अब इतने पार्ट का हो गया, अब इस पार्ट का देखो, इस पार्ट में आप ऐसे जा रहे हो ना, तो जब ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो पॉजिटिव करंट ऊपर को होगी, तो यहाँ पे देखो ये वाली करंट तो ऊपर को है आई टू, लेकिन आई थ्री नीचे को है, तो यहाँ पे माइनस आई थ्री प्लस आई टू, तो I3 I3 कट जा रहा है, केवल I1 और I2 आ रहा है। समझ आया बच्चों, दो लूप ऐसे रखे थे ना, मतलब लूप को ऐसे बेंड करके रखा गया था। अब पीछे के डाउट मत पूछो बच्चों, अभी ये जो कल मैंने होमवर्क दिया था पहले उसका पूछो। यार श्रेयस, ऐसे चेंज नहीं करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जो जैसा है वैसे ही ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि उसका इफेक्ट पता नहीं, बेंड करने से डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन का ही यहाँ सारा खेल रहता है, ऐसा ना हो कि कुछ डायरेक्शन गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट बताओ, बच्चों नेक्स्ट आउट, हो गए, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखो ये देखा था, लास्ट क्लास में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, उसका हम कोई डीएल लेंथ ले लें और उसको हम कोई बी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अगर डीएल इधर को है और बी इधर को है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है कुछ, तो वहां पे फोर्स कितना आता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस बी, अरे म्यू नॉट बाई 4 पाई नहीं था, सॉरी आई इंटू डीएल क्रॉस बी आता था ना, और अगर हम पूरे वायर पे निकालेंगे तो नेट फोर्स हो जाता था आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी ना, पूरे वायर के लिए। एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, वायर का जो टेल है और ये जो भी दो एंड्स है इनको डायरेक्ट स्ट्रेट मिला दो, वायर को स्ट्रेट मिला दो तो एल इफेक्टिव निकल आएगा कितना है वहां पर,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BIL साइन थीटा, फोर्स को हम लोग ऐसे स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं BIL साइन थीटा, जहां L क्या है, L इफेक्टिव है। तो एक स्ट्रेट या फिर कोई भी वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे हम ऐसे फोर्स निकाल लेंगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई, जैसे हमने लास्ट टाइम ये एक क्वेश्चन किया था कि एक हमने ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया जिसमें आई करंट जा रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर में बी ले लिया है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा और किधर को लगेगा। तो हमने देखा कि ये लास्ट टाइम ये किया था ना, ऐसे एल इफेक्टिव ले लेंगे और इस एंड से इस एंड की तरफ करंट जा रही है ना, तो हम इस एल इफेक्टिव में इस एंड से इस एंड की तरफ करंट मानेंगे ना। तो करंट ऐसे मानेंगे कि एक 2R की वायर है जिसमें ऐसे करंट जा रही है और इस पे फोर्स देख लेंगे, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा। एल का डायरेक्शन किधर को लेते हैं हमेशा, करंट के डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी, बी अंदर को है तो थंब ऊपर को जा रहा होगा ना, तो इस पे ऊपर को फोर्स लग रहा था और फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आई एल, एल मतलब 2R, साइन थीटा, साइन थीटा 1 है ना, एल और बी 90 डिग्री पर है, तो 2BIR फोर्स हो गया। ये बात समझ आई सभी को? व्हाइट स्क्रीन क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें व्हाइट स्क्रीन से, नहीं सही दिख रहा है? अबे बोलोगे चवन, क्या दिक्कत है? अबे अच्छी दिख रही है यार, अच्छा भाई, लोग कुछ हांगकांग वाला वो वर्चुअल बैकग्राउंड लगा देते हैं, अब सही है, ग्रीन स्क्रीन आ गई है यार, लेकिन अभी तक तो मुझे टाइम नहीं मिला, अभी सब पैक भी रखा हुआ है, ये चलेगा क्या? ठीक है बच्चों, फिर ये यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं, मान लो हमारे पास एक आई वन करेंट की एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और इसके पास में एक I2 करंट की छोटी वायर ली गई जिसकी लेंथ L है, ये इनफाइनाइट वायर है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें बताना है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। ये डिस्टेंस कुछ d है, अब है तुम लोग बैकग्राउंड पे फोकस करने की जगह पढ़ाई पे फोकस कर लो भाई। टाइम वेस्ट करने में तो पीएचडी कर लिया तुम लोगों ने। इतने भारी भारी वर्ड लाके लगा देते हो, एस्थेटिक और पता नहीं क्या क्या, हाँ ये तो है।
हाँ तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, आप इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे B लिखो, फिर B आ गया तो बी आई एल साइन थीटा फोर्स लगा दो। B किधर को होगा, करंट ऊपर को जा रही है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर कर्ल करो ना, तो ऐसे यहाँ पे फिंगर बाहर आ रही होगी और यहाँ पे फिंगर अंदर जा रहा होगा, तो B यहाँ पे इस साइड में अंदर को है। अब इस पे फोर्स निकाल दो, B की वैल्यू हमें पता है कितनी आती है इनफाइनाइट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई बाय 2πr। फिर फोर्स के फॉर्मूले में डाल दो बी आई एल, बी मतलब म्यू नॉट आई वन अपॉन 2πdBIL साइन थीटा। अब L देख लो यहाँ पर स्क्रीन के प्लेन में और B परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा वन हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πD इंटू L। और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, यहाँ पे B अंदर को है तो L क्रॉस B करो, L ऊपर है B अंदर को है ना, स्क्रीन के अंदर जा रहा है B, L क्रॉस B तो फोर्स देख लो इधर आ रहा है। जहां पे भी करंट का डायरेक्शन सेम रहता है वहां हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है उनमें तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना ना, बार बार ये डायरेक्शन डिराइव नहीं करते, अगर दो वायर हैं पैरेलल में रखे हैं और करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स ऐसे लगेगा, और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स ऐसे लगेगा। नोट कर लो इसको, चवन अब मन लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, मेरा सरफेस तो फाइनली गया ही, वो ऑन ही नहीं हुआ फिर कल उस दिन के बाद से। अभी उसको बात किया था सर माइक्रोसॉफ्ट वालों से तो पैक करके उनको भेजा है नोएडा, देखते हैं, बोल रहे हैं वारंटी पीरियड खत्म हो गया है, अब नेट पे दिखा रहा है कि कोविड की वजह से 3 मंथ का वारंटी पीरियड एक्सटेंड किया गया है, अब देखते हैं मिलता है या नहीं, अगर वारंटी में रहा तो फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो पैसे लगेंगे। वीर गति को प्राप्त हो गया कोविड टाइम पढ़ाते पढ़ाते, फाइनली लास्ट मोमेंट तक पढ़ा ही रहा था वो टैब, क्लास शुरू हुई थी लेकिन 2 मिनट बाद ही वो बोल गया फाइनली। यार ये सब बातें पैसे की बातें मत किया कर यार, ये तू यार आयुष इतने पैसे भर भर के रखा हुआ है फिर भी हर टाइम पैसे पे ही फोकस रहता है। सब लोग रखते ही हैं, करते क्या है, पैसे रहते हैं तो सब लोग बस रखे रहते हैं। यार अभी तो देखो ट्राई कर रहा हूँ, वारंटी में हो जाए तो फ्री में मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं तो
फ्री में हो गया तो फिर यार वही वेस्ट है ना। यार पिछले मंथ ही एक्सपायर हुआ है, 21 जुलाई को एक्सपायर हुआ था वारंटी, और ये 21 अगस्त को कांड हुआ है 24 अगस्त को। यार देखते हैं, अभी तो कर दिया है मैंने, सेंड तो कर दिया है जल्दी से जल्दी, तो आप देखो बच्चों। नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अगर दो इनफाइनाइट वायर पैरेलल रखे हुए हैं, एक में I1 करंट जा रही है, दूसरे में I2 करंट जा रही है, तो हमें बताना है एक वायर दूसरे वायर पे फोर्स कितना लगाएगा पर यूनिट लेंथ। फाइंड फोर्स बिटवीन वायर्स पर यूनिट लेंथ, उनके यूनिट लेंथ पे, कोई भी एक वायर की वजह से दूसरे वायर के यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। डी गिवन है, ये बीच की डिस्टेंस कुछ डी या आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं आप। बस एक क्लास एक घंटे एक ही घंटे यार। लैपटॉप मिल जाएगा नए घंटे में, मिल जाएगा। बड़ी क्लास का लेक्चर है यार, लैपटॉप की दिक्कत चल रही है। तो हम लोग चलो अब क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। हाँ वो प्रॉब्लम समझा रही थी, टैप दिया है अभी उसको, तो वही बोले टैप में चैट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, मुझे चैट करने में दिक्कत आ रही है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक के वजह से दूसरे पे फोर्स निकालेंगे, पहले बी लिख देंगे, फिर मान लो इसके हम केवल अभी एल लेंथ पे देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है, एल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, एल लेंथ पे फोर्स आ जाएगा तो बाकी लेंथ के लिए यूनिट लेंथ के लिए एल से डिवाइड कर देंगे। सब कुछ सेम वैसे ही करोगे ना जैसे अभी पीछे किया था, पहले वायर के वजह से यहाँ पे बी लिखो, बी इन टू द प्लेन आ रहा होगा और बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, बी आ जाएगा तो फोर्स हो जाएगा बी I L sin थीटा, sin थीटा 1 है ना, फिर L को हम दूसरे साइड कर देंगे तो उसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला हम लोग याद ही रखते हैं, कई बार जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स है तो अगर कोई भी लेंथ गिवन होगी तो वो लेंथ मल्टीप्लाई करके उस लेंथ पे कितना फोर्स है वो निकाल लेंगे ना। फोर्स हमेशा करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव, अपोजिट में है तो रिपल्सिव। आप देखो इसके वजह से आपने एक चीज ये देखी होगी, अक्सर पोल के बीच में जैसे वायर्स लगे रहते हैं ना,
घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें क्या रहता है, पोल्स के बीच में ऐसे वायर्स लगे रहते हैं, तो ये जब वायर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना? तो ये अब क्या होता है, विंटर और समर ऐसे सीजन चेंज होता है तो ये एक्सपैंड होता जाता है टाइम के साथ ना, और ये खींच रहा है, तो एक टाइम आता है कि ये धीमे धीमे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग देखोगे आप कई बार वायर के बीच में कई जगह जगह स्टिक बांध देते हैं ना, जब वायर लूज हो जाता है तो बीच में स्टिक बांध देते हैं ताकि वो ऐसे पास ना आने पाए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अट्रैक्ट होके पास ना आ जाए इसलिए जुगाड़ लगा देते हैं स्टिक बांध के कि शॉर्ट सर्किट अवॉइड हो जाए। पहले कभी ध्यान दिया था स्टिक क्यों बांधते हैं? मैं तो बचपन में देखा बहुत है, कभी ध्यान नहीं दिया कि यार क्यों बंधा हुआ है ये, बाद में समझ आया। नोट हो गया? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जिसमें मान लो एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, नहीं नहीं यार मैं कोटा में नहीं पढ़ा था, मैं बनारस में पढ़ा था, और एक L लेंथ की वायर ऐसे रखी हुई है। ये डिस्टेंस कुछ d है, तो हमें अब इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पे फोर्स निकालना है। नहीं यार मिले तो हम लोग नासिक आके ही थे, क्योंकि तो मैं 2007 का पास आउट हूँ, सर तो तब तक आए भी नहीं थे, सर 2015 या 16 के पास आउट है, मेरे आने के 4 साल बाद तो सर कॉलेज गए थे, तो इतनी जल्दी कहाँ से मिल लेते, यही आके मिल लेते। फाइंड फोर्स बिटवीन वायर्स, यार मैं बुजुर्ग आदमी हो गया हूँ, तुम लोग यार कहाँ कंपेयर कर रहे हो, जब मैंने IIT दी थी तब तुम लोग पैदा हुए थे, 2003 में मैंने दिया था IIT का एग्जाम। चलो बच्चों फोर्स निकालो इसमें, थैंक यू रजत। टाइम का इफेक्ट पड़ता है यार, अब उम्र छुपाने से क्या होगा, टाइम इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अबे तो थैंक यू भी वही वाला था यार, सरकाज वाला ही थैंक यू भी था, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था भाई। अब यार उल्टा मुंह कैसे करूं बताओ, उल्टा बैठना पड़ेगा उसके लिए।
ये अब लैपटॉप का वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ यार, वो वेबकैम जो मंगाया था वो नहीं यूज किया अभी, इसको उल्टा रखूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। देखो जब इस पूरे वायर पे फोर्स निकालना है तो आप क्या इस बार पूरे वायर के हर पॉइंट पे क्या बी की वैल्यू सेम है, इस वायर के हर पॉइंट पे क्या बी की वैल्यू सेम है, क्योंकि वायर से डिस्टेंस चेंज होगी तो बी भी चेंज होगा ना। अगर बी भी चेंज होगा तो क्या पूरे वायर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाओगे बी आई एल साइन थीटा? पूरे वायर के लिए एक साथ आप इस बार फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि हर जगह बी अलग अलग है। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे लेंथ के लिए बी मान लोगे कि यूनिफॉर्म है ना। हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि कोई एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा डीएक्स लेंथ लिया हुआ है और उसके लिए बी लगभग हर जगह सेम है। ना ये एक्स डिस्टेंस पे हम मान सकते हैं, ये पूरे डीएक्स लेंथ पे की डिस्टेंस वायर से एक्स है तो उतने पार्ट के लिए बी सेम है। और बी का डायरेक्शन तो आप फिर से निकाल लोगे, वैसे ही आ जाएगा इन टू द प्लेन होगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई वन अपॉन में टू पाई एक्स, ये बी की वैल्यू हो गई। अब इस डी एक्स लेंथ पे फोर्स देख लो, डी एक्स लेंथ पे फोर्स कितना आ जाएगा, बी आई करेंट तो सब में सेमी फ्लो होगी, बी आई एल, एल कितना है डी एक्स, साइन थीटा वन होगा ना, क्योंकि एल जो है डी एक्स है वो स्क्रीन के प्लेन में है और बी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, एल क्रॉस बी ऊपर को आ रहा होगा ना, हर एक पे फोर्स ऊपर को ही आएगा, सब पे फोर्स ऊपर को है तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं ना, सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा। लिमिट कहां से कहां तक डालोगे, एक्स की वैल्यू पहला डीएक्स आप यहां लोगे ना और लास्ट डीएक्स यहां पे लोगे, तो डी से लेकर के डी प्लस एल तक लिमिट डालोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई, बाहर आ जाएगा वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे वन बाय एक्स आया है ना, एल एन एक्स होगा, लिमिट डाल दोगे तो एल एन डी प्लस एल अपॉन में डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब एक पूरे पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा तो वहां पे हमें छोटे डीएल लेंथ लेकर के उस पर फोर्स निकालना रहेगा और फिर बाकी पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग एक स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो किस पॉइंट पे लगेगा वो समझ लेते हैं, सो दैट कि कभी टॉर्क निकालना पड़े तो अपने लिए टॉर्क निकालना इजी रहे। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि एक स्ट्रेट वायर है और इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी यूनिफॉर्म है ना, एल लेंथ का वायर है, तो हमें बताना है कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किस पॉइंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, सारा का सारा फोर्स हम किस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। यार ये जो अभी तक मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले वीडियो अपलोड कर रहा था वो मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करना रह गया था, कल मैंने अपडेट किया। भावेश पूछ रहा था आजकल अपलोड नहीं कर रहे क्या, तो मुझे समझा नहीं था, मैंने कहा किया तो है बट कल मैंने बाय चांस चेक किया तो प्लेलिस्ट में अपडेटेड नहीं था, इसीलिए उसने पूछा होगा।
हाँ लेकिन भोला भावेश है ना, भोला भावेश के लिए सब कुछ सही से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तभी वो सही से करेगा, नहीं उसमें डाउट आ जाएगा उसको। हाँ यार बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, बना के सबका अपडेट करूंगा। कैनवा वगैरह अभी मैंने देखा है उस पे कैसे बनाते हैं, अब यूज करता हूँ उसको। वाटरमार्क रहेगा क्या? मैंने अभी तो यूज नहीं किया यार, बस देखा था कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीक करने का प्लान है यार। एडोब स्पार्क उसमें नहीं रहेगा वाटरमार्क? यार कैनवा सिंपल लग रहा था यार, अब तो मैं भी चाह रहा हूँ कि एक बार उस पे ही करते हैं। अमन बोल रहा है नहीं रहता, किया इसने शायद उस पे। हाँ बच्चों हुआ क्या? अभी तो मैं पावर पॉइंट ही यूज कर लेता हूँ यार, अभी को बनाने के लिए पावर पॉइंट पे ही। तुम लोग तो ऐसे पेंट बता रहे हो जैसे घर में पेंट करने वाले सब बता रहे हो, ये कंपनी वो कंपनी। सॉल्व किया जाए बच्चों, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी ग्राउंड पे एक जगह पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इस वायर के जस्ट बगल में हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे ना। ग्राउंड पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वायर मूव करेगा तो ये पॉइंट एक्सेलरेट करेगा ना, तो फिर हम सीडो फोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ग्राउंड पे पॉइंट लिया है। और इस पॉइंट से हम देखते हैं कि नेट टॉर्क कितना आ रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना याद है बच्चों कैसे करते थे? कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते थे पूरे फोर्सेस का, और फिर उसको एक जगह लगा के इक्वेट कर देते थे ना। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे देखो, हर एक डीएक्स लेंथ पे कोई भी एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो डीएक्स लेंथ पे फोर्स कैसे लग रहा होगा इधर ऊपर को। तो हर एक डीएफ का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, फिर सारा का सारा फोर्स को एक जगह रख देंगे और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, तो उससे हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ जाएगी कहां पे हमें लगाना है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो डीएफ की वैल्यू लिख लो। डीएफ कितना हो जाएगा? बी दिया हुआ है आपको, आई दिया है बी आई एल, एल कितना है डीएक्स, एल लेंथ एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ दिया है। बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा वन है ना, करेंट ऐसे जा रही है और बी इन टू द प्लेन है। तो इस डीएफ फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, और ये टॉर्क ऐसे घुमा रहा होगा, हर एक डीएफ का टॉर्क ऐसे ही घुमाएगा। तो सबको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे नेट टॉर्क निकालने के। और ये x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? जीरो से लेके l तक। तो नेट टॉर्क आ जाएगा b i l स्क्वायर बाई टू ना। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर हम लोग
फोर्स तो हमें पता है बी आई एल लगना है ना, इससे हमें ये समझ आ रहा है ना कि फोर्स तो पूरा हमें पता है कि एल लेंथ पे बी आई एल फोर्स लग रहा होगा, और अगर सारा का सारा फोर्स हम मिड पॉइंट पे लगा के टॉर्क निकालते तो भी यही चीज आती ना, इसको ऐसे लिख दिया है। समझ आ रहा है बच्चों, मतलब एक स्ट्रेट वायर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप कहां ले सकते हो, मिड पॉइंट पर। तो फोर्स हो जाएगा बी आई एल और डिस्टेंस हो गई है एल बाई टू। तो अब आप इस एंड पे पॉइंट लोगे तो उसके अबाउट टॉर्क डायरेक्ट लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस। कुछ चमका बच्चों, स्ट्रेट वायर के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां रहेगा, उसके मिड पॉइंट पर। आगे कभी टॉर्क निकालने में हम लोग यूज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, नोट कर लो इसको। नहीं हो रहा यार, ये कैसे हो रहा, कैसे दो कंडीशन है यहाँ पे ना, स्ट्रेट वायर होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो आप वहां पे सारा का सारा मैग्नेटिक फोर्स मिड पॉइंट पे ले सकते हो। तो ये पॉइंट अब नोट कर लेते हैं, इफ वायर इज स्ट्रेट एंड बी इज यूनिफॉर्म देन मैग्नेटिक फोर्स कैन बी टेकन एट मिड पॉइंट ऑफ वायर। ठीक है बच्चों, सपोज कोई हमारे पास करंट कैरिंग ऐसा लूप है जिसमें आए करंट फ्लो हो रही है, और इसको हमने कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो हमें बताना है कि इस पे फाइंड नेट फोर्स ऑन रिंग और सेकंड टेंशन इन रिंग। फोर्स बताओ और टेंशन बताओ, रेडियस आ रहा है इसका। यार फोर्स मैं बोल रहा हूँ बताओ और खुद ही लिख दे रहा हूँ, हद है यार, क्या चल रहा है ये। फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एल इफेक्टिव
जीरो है, कोई भी एक पॉइंट से देखोगे तो घूम करके वापस दूसरा पॉइंट भी वही आ जा रहा है ना, एल इफेक्टिव जीरो है, तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था बी आई एल इफेक्टिव, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, बी हमारा यूनिफॉर्म है, तो फोर्स जीरो हो गया। वायर में क्या कोई टेंशन डेवलप होगा? वायर में देखो कोई टेंशन डेवलप होगा? होगा ना भाई, पांडा क्या बातें करता है, सही से देख, हर एक जगह छोटा छोटा dx लेंथ लोगे, इस dx लेंथ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा dl लेंथ लो तो l क्रॉस b बाहर को हर तरफ को ऐसे इस पे फोर्स लग रहा है, हर तरफ को मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ऐसे बाहर को फोर्स लग रहा है, तो अगर हर तरफ से ऐसे बाहर को फोर्स लगेगा तो ये टेंशन की कंडीशन में आ जाएगा ना, समझ आ रहा है बच्चों? अब अगर ये पूछा जाए कि वो टेंशन की वैल्यू कितनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा एक आर्क ले लेंगे ना, जिसकी लेंथ कुछ मान लो डीएल है, और ये सेंटर पे कुछ नेट टेंशन, कोई स्ट्रिंग को खींच रखा है तो उसके कोई पॉइंट पे टेंशन निकालेगा ना, टेंशन नेट कैसे निकालेगा, टेंशन तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे निकालते हैं ना, और ये मान लो सेंटर पे कुछ थीटा एंगल एब्सेप्टेंड कर रहा है, तो अब इस पे अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, इस डीएल लेंथ का हम लोग डायग्राम बड़ा करके बना लेते हैं ना, ये जो डीएल लेंथ है समझाने के लिए बड़ा करके बना रहा हूं ना, डीएल लेंथ लिया है और ये सेंटर पे डी थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, थीटा मान लेते हैं, डी थीटा है उसको थीटा लिख दिया है। अभी देखो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, डीएल लेंथ पे फोर्स किधर लग रहा है, एल क्रॉस बी करोगे तो ऊपर को लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई एल, एल कितना है डीएल, एंगल कितना है डीएल, इधर को है ना, देखो डीएल स्क्रीन के प्लेन में है और बी इंटू द प्लेन है, बी इंटू द प्लेन है, तो साइन थीटा वन हो जाएगा, तो ये फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है बी आई डीएल। अब देखो अगर ये वाला पार्ट पे ऊपर को फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन क्या जा पा रहा है, इस वाले पार्ट पे ऊपर को फोर्स लग रहा है लेकिन जा तो नहीं रहा है ना, हर पार्ट अपनी जगह रुका हुआ है ना, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो ये बगल वाले पार्ट इसको अब टेंशन की वजह से अपनी तरफ को खींचेंगे ना, टेंशन की वजह से हमेशा कैसा लगता है फोर्स, पुलिंग नेचर का ना, ये वाला पार्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो टेंशन की वजह से यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे इधर वाला पार्ट इसको अपनी तरफ को ऐसे खींचेगा ना, पूरे में टेंशन टी है तो टी की वजह से दोनों साइड वाले पार्ट इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट इस डीएफ को बैलेंस करेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है ना, इधर को टी लग रहा है, इधर को टी लग रहा है ना, ये अगर हम लोग यहां पर इसको ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ये एंगल हमारा थीटा बाई टू है तो ये भी थीटा बाई टू आएगा, ये टेंजेंट के लॉन्ग है ना, ये रेडियस है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू होगा तो ये हमारा थीटा बाई टू आ जाएगा, तो टी का इधर कंपोनेंट हो जा रहा है टी कॉस थीटा बाई टू और नीचे को हो जा रहा है टी साइन थीटा बाई टू, इस कंपोनेंट में डिवाइड करना सबको समझ आया, मामा को बोलो, मामा
सेम वे में इधर भी करोगे तो ये एंगल थीटा बाई टू है, तो इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा बाई टू और नीचे आ जाएगा टी साइन थीटा बाई टू। अब ये देख लो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो नीचे को ये दोनों कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये अपनी जगह रुका हुआ है ना। समझ आया बच्चों? तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2t sin थीटा बाई टू बराबर है df, 2t। अब देखो ये dl का जो एंगल होगा वो भी बहुत छोटा होगा ना, dl जो यहाँ एंगल बनाएगा थीटा वो भी बहुत छोटा होगा, तो आप sin थीटा बाई टू को जब एंगल छोटा होता है तो थीटा बाई टू लिख देते, df की वैल्यू डाल दो, df कितना होगा bi dl, dl को क्या लिख सकते हो रेडियस इंटू एंगल, अगर एंगल पता है और आर पता है तो ऐसे लिख देंगे, थीटा थीटा कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बी आई आर। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या क्या किया मैंने? ये नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करने का एक मैं एकदम छोटा तरीका बताता हूँ, आप वैसे इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड वन है, मेथड टू फिर इसका हम लोग देखते हैं। इस वाले में एक चीज अच्छी है कि ये पॉइंटर हमेशा दिख रहा है, मुझे अलग से पॉइंटर लेना नहीं पड़ता, टैब में वो दिक्कत रहती थी, यहाँ पे तो आराम से एक ही पेन से समझा सकता हूँ पूरा।
तो आप देखो बच्चों, हम लोग इसका मेथड टू देख रहे हैं। अरे कुछ साउंड आ रहा था यार, इसलिए रुका हुआ था। तो देखो बच्चों, अब अगर हम लोग इसको देखो, हम लोग ऐसे इजिली सो सकते हैं। अगर हम लोग एक आर्क न लेकर के अगर हम हाफ रिंग ले लें, हाफ रिंग पे फोर्स निकालना इजी होगा और टेंशन को रिजॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी इजिली हो जाएगा। तो मान लो हम केवल अपर हाफ पे फोर्स बैलेंस करें, केवल अगर आप अपर हाफ पे फोर्स बैलेंस करोगे, एक ना, हमने केवल अपने अपर पार्ट को सिस्टम लिया हुआ है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे निकालोगे? एल इफेक्टिव देख लोगे, एल इफेक्टिव कितना है? 2 आ रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? बी आई एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव 2 आर। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? एल इफेक्टिव में आपको ऐसे देखना है, इधर करंट जा रही है इस एंड से इस एंड की तरफ, तो L क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऊपर को लग रहा है, और इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? जो ये लोअर वाला पार्ट है उसमें जो यहाँ टेंशन आएगा वही उसको खींच के रोका हुआ है ना, तो इधर नीचे को जो टेंशन लग रहा होगा ना, तो अब आप ऊपर का फोर्स बराबर कर दो F के, तो ऐसे में रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। F की वैल्यू कितनी होगी? बी आई इन टू 2 आर, साइन थीटा 1 है, तो T की वैल्यू आ जाएगी बी आई आर। समझ आया बच्चों मैंने क्या किया? मैंने थोड़ा बड़ा रिंग का पार्ट ले लिया तो हमें इजिली फोर्स बैलेंस करते आया। कर लो नोट इसे भी। तो देखो, हमने अब एक चीज ये समझ ली है कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग लूप रखेंगे तो उस पर फोर्स तो नहीं लगेगा ना, फोर्स तो नहीं लगेगा। तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उस पर टॉर्क लगेगा, तो एक हम लोग टॉर्क का क्वेश्चन करेंगे। हमने मान लो एक ऐसा लूप ले लिया जिसमें कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस आर है और इधर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है पार्ट वन नेट फोर्स। अबे यार फिर लिख दिया, फाइंड नेट फोर्स और दूसरा नेट टॉर्क। क्या हो रहा है ये?
ये भावेश आ क्यों नहीं रहा है आजकल? सिर्फ केम में ही आता है, फिजिक्स से विश्वास उठ गया उसका। अच्छा केम का लेट होता है इसलिए। अच्छा हाँ ये तो है, सुबह उठने का मन नहीं करता होगा उसका। यार तुम लोगों ने बदमाशी तो नहीं करता, तुम लोगों ने वैसे उसे फेमस कर दिया है। अच्छा ऐसा है क्या? ये हुआ बच्चों, फोर्स तो सबको ऑब्वियस है कि भाई एल इफेक्टिव जीरो है। हाँ ये तो बात सही है रजत की, डॉन है तो अपनी मर्जी से ही आएगा जाएगा। तो फोर्स तो हमने देखो लिख लिया कि यहाँ पे पहला पार्ट तो जीरो है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल इफेक्टिव अगर जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। दूसरा पार्ट हमें अभी सॉल्व करना है। तो देखो दूसरा पार्ट का जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये कैसे मैंने लिख दिया हम लोग डिराइव करके देखते हैं, फिर ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। पहले लॉन्ग कट से समझते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है। टॉर्क यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये टॉर्क कैसे ऐसा आ रहा है। देखो बच्चों अगर हम लोग थीटा एंगल पर एक डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक छोटा सा वायर का पार्ट ले लूं, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? एक छोटे से डी थीटा वाले पार्ट पे, इस पार्ट पे करंट ऐसे जा रही है ना, तो आप जिधर करंट जा रही है उधर को ऐसे राइट हैंड की फिंगर रखो और बी इस साइड को है ना, बी इस साइड है तो ऐसे कर्ल करो, तो थंब अंदर को जा रहा होगा। ये कर पा रहे हो बच्चों? इधर को डीएल रखो और इधर को कर्ल करो, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इनटू द प्लेन है। इस पे मान लो डीएफ फोर्स लग रहा है, वो इनटू द प्लेन। और ऐसे ही जब आप इधर के साइड आ जाओगे थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला, तो इसमें क्या हो रहा होगा ना, आप देखो करंट ऐसे आ रही होगी और बी उधर को जा रहा है तो ऐसे बाहर को आएगा, ऐसे फिंगर रखो और इधर को कर्ल करो तो देखोगे इस बार थंब बाहर को होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? ऐसे इस बार करंट के डायरेक्शन में रखो और बी उधर है तो उधर को कर्ल करो तो थंब ऐसे बाहर को आ रहा होगा। वीडियो मिरर करूं एक मिनट,
पहले तो ये भी हटा देता हूँ, कर रखा है मिरर माय वीडियो, मिरर हटा देता हूँ शायद तुम लोग हटाना चाह रहे हो। मिरर ही करना पड़ेगा यार, मिरर ही सही था वो। देखो इधर को करंट है, ये राइट हैंड से ही कर रहा हूं ना, ऐसे इधर को जो है वो इधर को ही दिख रहा है, उसमें भी स्क्रीन पे भी और इधर, तो यही सही है। नहीं तो फिर ये इस साइड आके दिखेगा, मैं इससे करूंगा तो वो अजीब लगेगा तुम्हें। अच्छा उल्टा कर दूं, देखो करके देखते हैं ऐसे समझ आ रहा है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे इस जगह पे रख रहे हैं ना, इधर को डीएल है, करंट इधर को है और बी उस साइड को है ना, बी इधर को है। हुआ ना भाई, पहले मेरा हैंड इस साइड रहता था, अभी हैंड इस साइड आ गया है, उससे और कंफ्यूजन हो रही है मेरे हिसाब से। तो हो गया भाई, मेरे में तो आ गया। अबे यार तुम लोग को क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अभी हुआ क्या? जाने दो यार, ऐसे समझ लो मैं जैसे तुम लोग को दिख रहा है वैसे ही कर लेता हूं मैं भी। तो सभी लोग आप ऐसे कर सकते हो ना, देखो इधर को डीएल रखो, अपने फिंगर को ऐसे रखो डीएल के लॉन्ग, और इधर को कर्ल करो, तो इस टाइम पे थंब देखो आपकी तरफ आ रहा होगा, करके देखो बच्चों। हो रहा है सभी से? हो रहा है ये चीज? डीएल इधर को रखो और इधर को कर्ल करो ना, डीएल ऐसे है और बी उस साइड को है, समझो बी इस साइड को है और डीएल ऐसे है, तो आप ऐसे रख के इधर को कर्ल करोगे, बी इधर है, तो ये थंब आपकी तरफ आ रहा होगा। यार राइट हैंड थंब रूल कब सीखोगे बच्चों? डीएल ऐसे है, बी ऐसे है, तो अब डीएल क्रॉस बी करना सीखो, डीएल के लॉन्ग कर्ल करो, डीएल के लॉन्ग फिंगर रखो, बी के लॉन्ग कर्ल करो, तो ये बाहर को आ रहा होगा। और जब इस साइड देख रहे हो तो डीएल ऐसे है और बी ऐसे है इस साइड में ना, तो डीएल क्रॉस बी कर रहे हो तो इधर अंदर को जा रहा है, समझ आ रहा है? दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, यहां पे बी से ऊपर था डीएल, यहां पे बी से नीचे हो गया है डीएल। तो यहां पे आउट ऑफ द प्लेन फोर्स लग रहा है। तो अब आप देख रहे हो एक चीज कि इस डीएल पे इन टू द प्लेन फोर्स है और इस डीएल पे आउट ऑफ द प्लेन फोर्स है, तो क्या नेट फोर्स आ पाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर को एक बाहर को, तो नेट फोर्स तो नहीं आ पाएगा। नेट फोर्स बच्चों आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर दो अपोजिट में फोर्स लगेंगे तो फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा ना। अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कपल बनाते हैं ना, कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं? कोई एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस, कपल की वजह से टॉर्क निकालना याद है सभी को, कोई एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप टॉर्क कितना बोलोगे, एक छोटे से डीएफ की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, डीएफ फोर्स इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस निकाल के डबल कर दो, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा ना, तो ये आर कॉस थीटा आ जाएगा, उसका डबल टू आर कॉस थीटा, ये आर है ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा, थीटा ना भाई साइन, कॉस ना साइन, कैसे
ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा आएगा ना, तो ये वाला इनके बीच की डिस्टेंस है ये ना, बीच की डिस्टेंस है ये, एक फोर्स डीएफ है और एक फोर्स यहां पे डीएफ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस लोगे तो 2r cos थीटा, डीएफ की वैल्यू डाल दो, डीएफ कितना होगा बी आई एल, एल कितना बोलोगे आर डी थीटा इंटू 2r cos थीटा। और टॉर्क निकालने के लिए अब क्या करोगे, आपने देखो इस पार्ट का तो इसके साथ ले लिया है ना, तो इस हाफ का निकालोगे तो वो इस हाफ का भी आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों का मिला करके आपने टॉर्क लिखा है यहाँ पे नीचे ना, उसके अपोजिट में जो डीएल के अपोजिट में डीएल है उसका आपने ले लिया है, तो केवल एक इस हाफ का निकालना है तो पूरे का आ जाएगा ना, ये बात समझ आई बच्चों, केवल इस हाफ का निकालना है। तो लिमिट कहां से कहां तक डालोगे, सबसे पहला डीएल यहां से लेना शुरू करोगे, यहां से लेते लेते आपको ऊपर तक जाना है, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, देखो माइनस पाई बाई टू से ना, पहला यहां से देखो यहां से आपने थीटा एंगल पे लिया हुआ है, यहां पे अगर डीएल होता तब जीरो होता ना, यहां पे डीएल है, अगर यहां डीएल होता तो ये एंगल जीरो होता ना, यहां नीचे को है तो इस लाइन से नीचे को ये माइनस पाई बाई टू से ऊपर को प्लस पाई बाई टू तक लिमिट हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक तो हो जाएगा टू बी आई आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा आ जाएगा, फोर का टर्म कैसे आ गया, एक मिनट बच्चों यहां कुछ चेक करने, तो यहां पे देखूंगा तो डीएल क्रॉस बी सब तो सही है, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे देखो जो फोर्स है जो हमने फोर्स लिखा उसमें हमने गड़बड़ कर दिया है, अभी बी इधर है और डीएल इधर है तो इनके बीच का एंगल भी तो लेना है, बी आई एल साइन थीटा, डीएल के रॉन्ग करंट है और बी इधर है तो इनके बीच के एंगल को हमने लिया ही नहीं, फोर्स जो हम लिख रहे हैं डीएफ इंटू ये बीच की डिस्टेंस, डीएफ की वैल्यू कैसे लिखोगे, बी आई एल इंटू इनके बीच के एंगल का साइन, बीच का एंगल कितना आएगा, बी देख रहे हो इधर को है ना, अब इसको मैं नए डायग्राम में वो समझाता हूं, डी एफ लिखने में बच्चों गड़बड़ हो गया, ये अब हटाना पड़ेगा मुझे,
डीएफ लिखने के लिए देखो हमें ये एंगल देखना पड़ेगा, साक्षी म्यूट रखो, सबको मिस्टेक समझ आया बच्चों, क्या मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, डीएफ की वैल्यू हमने सही नहीं लिखी ना, अब ये एंगल देखते हैं, एंगल कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे डीएल टेंजेंट के लॉन्ग है और बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, बी इधर को है यार, अलग ही डायग्राम में बताता हूँ नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, अलग डायग्राम बना देता हूँ, तो हमने यहाँ पर ऐसे थीटा एंगल पर एक ऐसे डीएल लिया हुआ है और बी यहाँ पे इधर को है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, और ये हमारा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है तो वो 90 है, तो मतलब ये एंगल कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा, ये बात समझ आ रही है सभी को, डीएल और बी के बीच का एंगल, तो अब हम लोग जब डीएफ की वैल्यू डालेंगे तो यहां पर बी आई एल साइन थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा बी आई कॉस थीटा डीएल, ठीक है बच्चों, तो अब ये वाले डीएफ की वैल्यू यहां डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो सही आ जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा डीएफ डीएफ इंटू टू और कॉस थीटा, डीएफ की वैल्यू डाल रहे हैं बी आई डीएल इंटू साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू टू आर कॉस थीटा, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेंगे तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा बी बाहर जाएगा आई बाहर जाएगा टू आर बाहर जाएगा अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, डीएल को लिख देंगे आर इंटू डी थीटा, आर को ही बाहर कर देंगे तो टू बी आई आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, टू को अंदर रखते हैं ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले से, यहां तक अभी बच्चों किसी को कोई दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, अब देखो हमें पता है कि कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो जहां टू कॉस स्क्वायर थीटा वहां हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा ना, नहीं यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा बी आई आर स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन होगा थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन टू थीटा और टू के थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है बच्चों, अब देखो जब भी आप यहाँ पे साइन वाली जगह पे पाई बाई टू रखोगे तो ये पाई बन जाएगा ना, पाई बनेगा तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो इस ये तो हर बार जीरो हो जाएगा चाहे प्लस पाई बाई टू रखो या माइनस पाई बाई टू, केवल ये वाला टर्म ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आई आर स्क्वायर, जब प्लस रखोगे तो प्लस पाई बाई टू, माइनस ऑफ माइनस रखोगे तो
साइन वाला टर्म हर बार जीरो है ना, तो ये हमारा आ जाएगा पाई का टर्म यहाँ से आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो आ जाएगा बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा टॉर्क आ गया। सबको समझ आया यहाँ तक बच्चों? ये नोट कर लो, फिर इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट लिखते हैं वो समझाता हूँ। तो इस सिचुएशन में देख लो बच्चों, वो कैसे घूमना चाहेगा, ये जो रिंग है हमारा ये कैसे घूमना चाहेगा यहाँ पर, यहाँ पे इस हाफ में हर जगह पर इनटू द प्लेन फोर्स लग रहा होगा, हर एक जगह डीएफ। ये DF का डायरेक्शन बना रहा हूं ना, और इस हाफ में हर जगह बाहर को लग रहा होगा, मैंने कुछ एक DF दिखाए हैं, सारे तो नहीं दिखाए हैं, ऐसे लग रहा है। तो ये वाला पार्ट अंदर ले जाना चाह रहा है, ये वाला पार्ट बाहर ले जाना चाह रहा है, तो ये इस डायमीटर के अबाउट ऐसे घूम जाएगा, ये पार्ट अंदर जाएगा, ये पार्ट बाहर निकलेगा, यहाँ पे ऐसे घूमेगा वो। अगर टॉर्क का डायरेक्शन पूछा जाए तो एक्सियल टॉर्क एक्सियल वेक्टर है ना, जिधर वो हम ऐसे घूमने के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो तो ये टॉर्क का डायरेक्शन बताता है ना। अभी टॉर्क का डायरेक्शन किधर बोलोगे, नीचे को, यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन नीचे को है और घूमने का डायरेक्शन ऐसे है। समझ आ रहा है बच्चों? रोटेशन याद है ना, टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है, जिधर आप घूमता है उधर अगर हम राइट हैंड के फिंगर कर्ल करें तो थंब हमें उसके एक्सियल वेक्टर टॉर्क का डायरेक्शन देगा। देखो सरयू, यहाँ पे फोर्स कपल बन रहा है ना, जब फोर्स को कपल बनता है तो वहां पे कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे वो सेम आता है, याद करो ये चीज मैंने लिखाई हुई है, कपल का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है।
तो यहां पर ये इस एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, कैसे भी आप टॉर्क निकालो। ये रिंग ऐसे रखी होगी तो वो ऐसे घूम जाएगी, ये पार्ट अंदर जाएगा, ये पार्ट बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, सिक्के के जैसा कोई भी ऐसा सर्कुलर बॉडी ले लो, उसको ऐसे घुमा लो। तो अब देखो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इसको हम कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो उसके लिए अब हमें कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे ना। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, अब ये समझो, हमने देखा कि यार टॉर्क वगैरह तुम लोग कब समझोगे भाई? देखो टॉर्क जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है ना, वो घूमने का डायरेक्शन नहीं देता, वो एक्सिस का डायरेक्शन देता है। अगर आपको एक्सिस का डायरेक्शन पता है तो घूमने का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जिधर एक्सिस है उधर थंब रखो और फिंगर कर्ल करो, तो फिंगर जो होता है वो घूमने का डायरेक्शन देता है। समझो, अगर यहाँ एक्सिस नीचे हो गया तो ये ऐसे घूम रहा होगा, फिंगर थंब रखो उधर को, फिंगर को कर्ल करो। और उसका उल्टा, अगर आपको घूमने का डायरेक्शन पता है, यहाँ पे हमें घूमने का डायरेक्शन पता है, तो हम टॉर्क का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? जिधर घूम रहा है उधर को फिंगर कर्ल करो, तो ये हमें एक्सिस का डायरेक्शन देगा। तो अब देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाओ और हम लोग अब ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा करंट कैरिंग लूप है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? यहाँ पे लाइंस क्या हो रही होंगी? बाहर को आ रही होंगी ना। अगर आप करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे तो इसका बी किधर होगा? बाहर को आ रहा होगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पे ऐसे होगा तो इसकी वजह से बी जो होगा वो अंदर को जा रहा होगा ना। एक करंट कैरिंग लूप की वजह से बी ऐसे होता है ना। अगर मान लो हम इस रिंग को ऐसे दिखाएं, ये वाला पार्ट स्क्रीन के बाहर है, ये वाला अंदर है, करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे बी कैसे हो रहा होगा? ऐसे ऊपर को बी जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये तो मैंने बस एक बी की लाइन दिखाई है, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, बाकी भी बहुत सारे बी की लाइन्स आप ऐसे बना सकते हो। ये सब लाइंस ऐसे घूम करके सब ऐसे आ रही, ठीक है? तो देखो, जो कोई भी एक ये ऐसे मैग्नेट है, करंट कैरिंग लूप है, अगर हम उसको रिलेट करें एक मैग्नेटिक बार से, जिसके इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो आप क्या बोलते हो? नॉर्थ पोल से ऐसे लाइन निकल रही है, साउथ पोल से वापस आ रही है और अंदर को ऐसे जा रही है, बाकी लाइंस बहुत सारी ऐसे निकल के घूम के आ रही है। ना ऐसे बहुत सारी लाइंस आप दिखा सकते हो, जगह नहीं है तो ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये लाइन देख करके कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है? यहाँ एक साइड से निकल रहा है घूम के दूसरे साइड आ रहा है, जैसे यहाँ पे निकल रहा है घूम के दूसरे साइड से आ रहा है, तो ये देख करके हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक जो ऐसे करंट कैरिंग लूप रखा है, इसका ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल है एक तरह से, और नीचे वाला पार्ट इसका साउथ पोल है ना। एक करंट कैरिंग लूप का दो फेस है, एक कैसे लूप लोगे तो एक साइड नॉर्थ पोल हो गया, एक साइड साउथ पोल हो गया, तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है ना, एक मैग्नेटिक बार की तरह है एक करंट कैरिंग लूप, उसमें भी दो पोल्स हैं, जिधर से लाइन निकल रही है उधर नॉर्थ पोल, जिधर से एंटर कर रही है उधर साउथ पोल। समझ आ रहा है बच्चों? एक करंट कैरिंग लूप is equivalent to a magnetic bar,
और उसका कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल लूप में, वो आप कैसे देखोगे? जैसे जब आपने इसको अभी ऐसे रखा, करंट अगर अभी आप देखोगे तो ऐसे अंदर को जा रहा है, इसको अभी ऐसे बना, अभी ऐसे ले लेते हैं, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है ना, तो ये सामने वाला फेस कौन सा पोल है? अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है तो अभी सामने वाला फेस कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल ना, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही बाहर को निकल रही होगी ना, तो यहाँ पे ये पोल नॉर्थ पोल होगा, तो इसके बैक साइड वाला पोल कौन सा होगा? इसका फेस साउथ पोल होगा। तो अब देखो, हमें इस चीज को समझने के लिए हमने एक ऐसा शॉर्टकट बना रखा है। आप क्या करो, n लिख लो और दोनों एंड पे ऐसे एरो बना दो। तो ये अभी एरो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है जिस फेस से देखने पे, वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। और s लिख दो और दोनों एंड पे एरो बना दो। जब ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज एरो दिख रहा है ना, जहां पे क्लॉकवाइज करंट होगा उधर के साइड में साउथ पोल बनेगा। तो आप ऐसे करंट को देखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि वहां नॉर्थ पोल बनना है या साउथ पोल बनना है। समझ आ रहा है बच्चों ये? कैसे आपको ये सामने आपके करंट कैरिंग लूप रखा है, तो वो फेस कौन सा पोल बन रहा है वो कैसे सोचोगे? एन या एस बना करके। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक बार है, तो ये जो भी मैग्नेटिक बार की वजह से हमने प्रॉपर्टीज देखी वो सब फॉलो करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे हमें एक पता है कि अगर हम कोई भी मैग्नेटिक बार हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, इसका मैग्नेटिक बार का डायरेक्शन इधर को होता है ना, तो इस पे फोर्स कितना लगता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है? जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा? जीरो। और टॉर्क कितना लगेगा? एम क्रॉस बी। तो जब आप कोई करंट कैरिंग लूप ले रहे हो और उसको कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो वहां पे भी फोर्स कितना आया? जीरो, है कि नहीं? और टॉर्क देखा आपने आया, टॉर्क कितना आया? अगर आप इसी फॉर्मूले से लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एम क्रॉस बी। और एक चीज और है कि इसका एम कैसे निकालोगे ना, तो ये सब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एम कैसे निकालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, एम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई इन टू ए। एम निकालने का तरीका क्या है? आई इन टू ए। ये कैसे आता है मैं अब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आई इन टू ए, ए का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं? जिधर को करंट जा रही है उधर को राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब बताएगा ए का डायरेक्शन। ये क्या है? कर्ल राइट हैंड। ये वाला पार्ट में अगली क्लास में समझाऊंगा आता कैसे है ना, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ए एरिया है, ए यहाँ पे एरिया है, लूप का एरिया, कर्ल राइट हैंड फिंगर्स। अब टाइम नहीं बचा है ना, इसलिए अब ये वाला पार्ट अभी नहीं समझा पाऊंगा। कर्ल राइट हैंड फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया। और जिधर एरिया का डायरेक्शन होता है उधर ही इसके मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। ये क्या है इसका? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो आप ये चीज अब इसमें अप्लाई करो, यहां पे एम का डायरेक्शन किधर है? ऐसे अगर फिंगर कर्ल कर रहे हो तो एम का डायरेक्शन अभी बाहर को है और B इधर को है। अब M क्रॉस B करो तो क्या आएगा? एम बी साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चों? M बाहर को है और B इधर को है, 90। तो एम बी साइन थीटा में ये 1 हो गया।
एम की वैल्यू डाल दो, एम कितना है आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, तो ऐसे टॉर्क आ गया। अब ये एम की वैल्यू कैसे आई इंटू ए आती है ये मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, तो हर सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। टॉर्क का डायरेक्शन भी देख लो, एम क्रॉस बी करके देखो डायरेक्शन आ रहा है क्या, एम बाहर को है और बी इधर को है, तो इस केस में जो एम क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन टॉर्क ऊपर आ रहा है। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें करंट अपोजिट थी, जब करंट अपोजिट होगी तो टॉर्क का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा ना। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है वहां पे क्या था, वहां पे करंट ऐसे थी, करंट ऐसे जा रही थी, तो यहां पर जब आप राइट हैंड के फिंगर कर्ल करोगे तो एरिया अंदर को है, मतलब एम अंदर को है और बी इधर को है, तो एम क्रॉस बी करोगे तो टॉर्क नीचे मिलेगा। टॉर्क नीचे मतलब ऐसे टॉर्क रखना है और फिंगर कर्ल करना है, ये पार्ट अंदर जा रहा है और ये पार्ट बाहर आ रहा है, मतलब सब कुछ हो जाएगा अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लें। समझो बच्चों, ये पीडीएफ से लिख लेना, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल मान लें जिसका डाइपोल मूवमेंट है आई इन टू ए, तो सब कुछ आप डायरेक्ट लिख सकते हो डाइपोल का यूज करके, फोर्स लिख सकते हो, टॉर्क लिख सकते हो। तो अब बस थोड़ा सा यही वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब इस पे होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क नोट करो। एक मिनट, अभी बता रहा हूं। होमवर्क में आयुष ने क्या बोला, अगर हाथ नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर बनता है। अब यार ये तो स्पीचलेस कर दिया इसने इस क्वेश्चन को पूछ के, तो मैं क्या बोलूं, हाथ नहीं होता तो अपन कुछ भी करते ही क्यों। फिर कोई पैर का थंब रूल बनाना पड़ता है। इलुस्ट्रेशन 17 तक, 14 से 17 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 38 47। एक्सरसाइज 1 का कल नहीं डिस्कस करूंगा, बाद में कर दूंगा, जो कर सकते हैं वो ट्राई कर लेना, इन टेक्स्ट का तो कर ही लेना। ठीक है बच्चों, फिर कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक कुछ दिन टाइम देके 2-3 दिन फिर डाउट पूरा डिस्कस कर लेंगे। क्लोज करता हूँ आपके, बाय बच्चों, बाय बाय। All right.